very special because मैं nominated हूँ and honestly जब मैं Bigg Boss के लिए जा रही थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वहाँ कितना survive कर पाऊँगी because मुझे लगता था कि I am not for Bigg Boss. So yeah, it's a great feeling. Journey बहुत अच्छी रही है and let's fingers crossed, let's hope for the best. हाँ बिल्कुल, I think first award जो आपको मिलता है वो हमेशा बहुत special रहता है and मेरे लिए अभी जो मुझे last मिला था the 50 most inspirational women of Maharashtra उसमें मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आई वॉज शेयरिंग द स्टेज विद अ लॉट ऑफ लेडीज दैट आई लुक अप टू. दुनिया कितनी बदल चुकी है एक्चुअली. ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो मैं अभी भी बाहर की दुनिया को अडेप्ट करने में लगी हुई हूँ बिकॉज आई एम स्टिल अ लिटिल लॉस्ट दैट हाउस डज दैट टू यू. बट नहीं, कुछ नहीं बदला है. आई थिंक वो हर बदलाव सिर्फ आपके नज़रिए में होता है. तो मेरे हिसाब से मैं अपने घर से गई थी और अपने घर वापस आई हूँ तो नथिंग इज चेंज. ही हैड ऑल्सो डन दैट इन इनसाइड द हाउस और मेरा और उनका बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था. तो इस बात से मैं हमेशा उनसे झगड़ती हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट दैट. इट इज़ आई थिंक बिग बॉस एंड ऑल द रियलिटी शोज आर स्पेशली बिग बॉस इज अ शो जहाँ जनता आपका रियल साइड देखती है. अगर उन्हें अच्छा लगता है तो ही आप आगे जा पाते हो एंड आई स्टिल फील द सेम. आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल आर फैंस फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव बिकॉज द this year beginning from last year but this year especially has been really great. So thank you all of you all, like all the fans. Thank you. Nothing as of now. I am hoping and praying something comes up soon. Aap log bhi pray karo.